यूपी के अयोध्या में मास्क बेचने से रोक लगा दी गई है। दरअसल ये रोक कोरोना वायरस के कारण लगाई गई। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में यह रोक लागू होगी। कोरोना वायरस का असर चीन समेत दुनिया के कई देशों में है। भारत में इसके कुछ मामले सामने आए, देश भर में इसे लेकर अलर्ट भी है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आए हैं, उनमें भी 2 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर दिल्ली में 2 बार केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक हो चुकी है। भारत में इस संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक 3 लाख से अधिक लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। भारत सरकार चीन से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान दे रही है। कोरोना वायरस वुहान शहर से शुरू हुआ था और फिर चीन के 30 अलग अलग राज्यों में फैल गया। चीन में अभी तक वायरस से करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 74000 से अधिक लोग इफेक्टेड हैं।